राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत। हम प्रोफेसर संध्या जी, अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्षा, शिक्षा संकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश से। आज हमारी चर्चा का विषय है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित निकाय। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2000-2001 से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध अंतक्षेपों में अन्य बातों के साथ साथ नए स्कूल खोले जाना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान करना, स्कूलों एवं अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण किया जाना, प्रसाधन कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्यापकों का प्रावधान करना, नियमित अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अकादमिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं वर्दियां तथा अधिगम स्तरों अथवा परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान जिलाधारित एक विशिष्ट विकेंद्रित योजना है। इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने की योजना है। इसके लिए स्कूल प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व में विकसित करने रणनीति अपनाकर कार्य किया जा रहा है। यह योजना पूरे देश में लागू की गई है और इसमें सभी प्रमुख सरकारी शैक्षिक पहल को शामिल किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी से 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ कार्यक्रम है। पूरे देश के लिए गुणवत्ता युक्त आधारभूत शिक्षा की मांग का जवाब है। आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर है। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल प्रबंध समिति, ग्रामीण व शहरी गंदी बस्ती स्तरीय शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संगठन, माता शिक्षक संगठन, जनजातीय स्वायत्त शासी परिषद व अन्य जमीन से जुड़े हुए संस्थाओं को प्रभावी रूप से शामिल करने का प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। सर्व शिक्षा अभियान केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर के सरकार के बीच में सहभागिता व राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अपना दृष्टिकोण विकसित करने का एक सुनहरा अवसर है। सर्व शिक्षा अभियान के कई उद्देश्य हैं, जैसे सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। इसी के अंतर्गत इसका दूसरा उद्देश्य है सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें और सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। इसी के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अन्य लक्ष्य हैं, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना, 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतराल को खत्म करना। अगर हम इसके पूरी समिति को देखें तो हम पाते हैं कि इसमें एक गवर्निंग काउंसिल है जिसके मुख्य व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं, और साथ में इसके जो गवर्निंग काउंसिल के नाम से जानी जाती है समिति, इसके बाद में है मानव संसाधन विकास कार्यकारी समिति, इसी के साथ में सचिव SE और AL परियोजना स्वीकृति बोर्ड, और इसी के साथ काम करता है संयुक्त सचिव और DG SSA, SE और L विभाग। प्रधानमंत्री गवर्निंग काउंसिल के साथ में 6 शिक्षक संघ प्रतिनिधि, 5 शिक्षाविद अथवा वैज्ञानिक, 6 NGO प्रतिनिधि, 3 महिला संगठन प्रतिनिधि, SC और ST के लिए काम कर रहे 3 संस्थागत सदस्य, राष्ट्रीय संसाधन संस्थान के प्रतिनिधि कार्यकारी सदस्य, और ऐसा ही प्रधानमंत्री गवर्निंग काउंसिल के साथ में HRM, FM उपाध्यक्ष, योजना आयोग राज्य के 3 मंत्री, 3 सांसद, 6 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, राज्य प्रशासन के 6 शिक्षा मंत्री। सचिव SE और L परियोजना स्वीकृति बोर्ड के साथ में 3 विभाग काम करते हैं, और इसमें एक विभाग के अंतर्गत NCERT, न्यूपा, NCTE और IGNO आदि आते हैं, और दूसरा निगरानी संस्थान संयुक्त समीक्षा मिशन शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान का जो पूरा संगठन है वो अपना एक वृहत रूप लिए हुए हैं। इसका जो पहला लक्ष्य था स्कूल में सभी बच्चे, इसके अंतर्गत प्रत्येक स्कूल में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना,
एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय को स्थापित करना, विद्यालयों के रूप में शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक अभिनव शिक्षा केंद्रों की स्थापना करना, 40:1 के छात्र शिक्षक अनुपात प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था करना। इसी के अंतर्गत अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान, प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कमरा, प्राथमिक में कम से कम 2 शिक्षकों और उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 शिक्षकों के साथ में एक कमरा, शौचालय, पीने का पानी, बच्चों के अनुकूल तत्वों को स्थापित करना। लक्ष्य 1 के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात प्राथमिक चरण में GER 103.7 है, जबकि उच्च प्राथमिक चरण में GER 64 है। इसी प्रकार सबसे कम GER बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखा गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारी नामांकन वृद्धि हुई इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 76 लाख थी 2007 में, और स्कूल से बाहर 3.8% बच्चों की श्रेणी स्कूल तक पहुंचने के लिए सबसे कठिन थी। इसी के अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में 60% स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे थे, और जिलों की संख्या और स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात 50:36 था। लक्ष्य 1 के अंतर्गत ही प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पहुंच और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पहुंच की तुलना करने पर यह पाया गया कि 7वें अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण के अनुसार विद्यार्थी कम पहुंचे, क्योंकि 1 किलोमीटर के भीतर कोई स्कूल नहीं था और विद्यार्थियों की संख्या थी 1,60,528, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो पहुँच थी वो 7वें अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण के अनुसार 3 किलोमीटर के भीतर कोई स्कूल न होने की वजह से यह संख्या थी 1,69,492। इसी तरह से 2007-08 तक सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्राथमिक विद्यालय प्रदान किए गए 2,04,200, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रदान किए गए विद्यालयों की संख्या थी 1,24,300। इसी प्रकार 2007-08 के अंत तक कार्यात्मक शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए 57,000, और उच्च प्राथमिक स्तर पर राज्यों ने दूरी और जनसंख्या मानदंडों के अनुसार UPS की आवश्यकताओं को मैप करने की सलाह दी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान में हम ऐसे बच्चों को पहचाने जो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनको मुख्य धारा के साथ में जोड़ें, और सर्व शिक्षा अभियान का केंद्रण मुख्य रूप से ब्रिज पाठ्यक्रम तथा बच्चों के एक्सेस को पैदा करना। इसी प्रकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार बुनियादी ढांचे को भरने की बात कही गई और प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों SCR 1:40 के लिए 6.37 लाख अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान किया गया। लक्ष्य 2 के अंतर्गत, जिसमें कि लिंग और सामाजिक श्रेणी अंतराल ब्रिजिंग थी, उसमें लड़कियों की भागीदारी के लिए कई कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए, जिसमें कि मुफ्त पाठ्यपुस्तकें दी गईं, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 3,291 शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में शुरू हुआ। इसी के अंतर्गत पूर्व स्कूल केंद्र, ब्रिज पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, साइकिल आदि जैसी अभिनव गतिविधियां भी की गईं। लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा कर्मियों और शिक्षकों के लिंग संवेदनशीलता पर भी ध्यान दिया गया। 2,810 शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जैसे कि जो कि आवासीय विद्यालय होते हैं, और कई राज्यों में अभिनव गतिविधियां भी शुरू की गईं। जीवन कौशल शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षण बुजुर्ग लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता शिविर और वर्दी प्रोत्साहन को भी बढ़ावा दिया गया। इसी के अंतर्गत जो कि मुफ्त SC/ST बच्चों के लिए भी उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई
कार्य किए गए, जैसे SC ST बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान किया गया, अनुसूचित जाति में 242, KGBB और ST ब्लॉक में 457 और 29% ST लड़कियां के 25% SBB में शामिल हैं। SC ST नवाचार के लिए 15 लाख रुपए प्रति जिला आवंटित किया गया। EGS और AIE केंद्र आदिवासी क्षेत्रों में आराम से मानदंडों के साथ खोले जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत स्थानीय आदिवासी शिक्षकों की भर्ती की गई। जनजातीय क्षेत्रों जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष मॉड्यूल का विकास किया गया। राजभाषा में बेहतर संक्रमण में मदद के लिए जनजातीय भाषाओं में प्राइमरों का उपयोग भी किया गया। 61 SC और 106 ST जिलों में लक्षित प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसके अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समर्थन दिया गया। प्रति बच्चे 1200 रुपये के विशिष्ट प्रावधान स्कूलों में नामांकन EGS, SIE केंद्र और गृह आधारित शिक्षा के माध्यम से कवरेज किया गया। 7.12 लाख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए और 50,000 शिक्षकों को शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 5.02 लाख स्कूल में बैरियर मुफ्त पहुंच रैंप II के लिए योजना बनाने में शामिल 620 NGO CWUSN पर पहुंचना, एड्स और उपकरणों के प्रावधान, शिक्षकों पर प्रशिक्षण इत्यादि। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नामांकन के लिए अब कक्षा के ध्यान और उचित सामग्री और शिक्षण विधियों पर भी ध्यान दिया गया। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य 3 के अंतर्गत 2000 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण था। ड्रॉपआउट दर प्राइमरी में 4.5% की गिरावट आई और लड़कियों में ड्रॉपआउट रेट 5% तक कम हुआ, जबकि संक्रमण दर प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 74.15 2003 और 4 से 83.36 2005-06 में सुधार हुआ। ड्रॉपआउट दर को इस हम ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसमें कि 2002 और 3 और 2003 और 4 और 2004-05 का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि ड्रॉपआउट रेट में कैसे कमी आई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो इसका थ्रस्ट एरिया था सार्वभौमिक प्रतिधारण, उसमें कुछ अन्य कार्य भी हुए जिन पर कि फोकस किया गया, जैसे कि प्राथमिक स्तर पर 52.2% 2003 से 20% 2011-12 तक कम करने के लिए ड्रॉपआउट, उच्च प्राथमिक स्तर को प्रोत्साहन मिला, पुस्तकालय, बुनियादी ढांचे, उच्च प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए BRC में अधिक कर्मचारी गठित किए गए, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विशेष शिक्षक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। इसी के अंतर्गत सभी को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और वर्दी, हर बच्चे के लिए फर्नीचर, विज्ञान और गणित सीखने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, उन्नत ICT इनपुट की भी व्यवस्था की गई। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य 4 के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त शिक्षकों को प्रदान करना, PTR 1:40, कम से कम 2 शिक्षकों के साथ अनुदान शिक्षक, बेहतर पाठ्यपुस्तकों का विकास लड़कियों के लिए, SC ST के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, उपचारात्मक शिक्षण अर्थात छात्रों के अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और उनके लिए अतिरिक्त कक्षाओं का भी प्रावधान किया गया, शिक्षकों का वार्षिक 20 दिन का प्रशिक्षण ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर, संसाधन केंद्रों के माध्यम से विद्यालय शिक्षकों के लिए विकेंद्रीकृत शैक्षिक समर्थन, बेहतर छात्र मूल्यांकन प्रणाली की भी व्यवस्था की गई और स्कूलों में निगरानी संकेतकों की भी व्यवस्था की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में गुणवत्ता पर बहुत अधिक बल दिया गया, जो कि इस प्रकार है, शैक्षणिक प्राप्ति के न्यूनतम मानकों का विकास किया गया, शिक्षा की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए नियमित परीक्षण की व्यवस्था हुई, सीखने के स्तर को बढ़ावा देने के लिए ICT का प्रावधान हुआ,
परिचालन शर्तों में बेहतर गुणवत्ता परिभाषित की गई। छात्रों में विविधता से निपटने के लिए स्कूल के भीतर क्षमता का निर्माण हुआ। सीखने के परिणामों की दिशा में त्वरित तुलनात्मक परिणामों और विश्लेषण की व्यवस्था की गई। व्यक्तिगत छात्रों के प्रदर्शन के लिए मूल्यांकन व्यवस्था की गई। स्कूल प्रभावशीलता और शिक्षकों और शिक्षार्थी उपलब्धि रुझानों, राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के ग्रेडिंग के लिए मूल्यांकन में अंतर की भी व्यवस्था की गई। प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड में साक्षरता संख्यात्मकता के बुनियादी कौशल का अधिग्रहण भी किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निगरानी अर्थात मॉनिटरिंग और पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक की व्यवस्था का प्रावधान है। इसके अंतर्गत स्कूल शासन के विकेंद्रीकरण के लिए रोड मैप की व्यवस्था, शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति पर सामुदायिक नियंत्रण, ब्लॉक आधारित विद्यालय आधारित कैडर और प्रतिस्थापित शिक्षकों की व्यवस्था। निगरानी और पृष्ठपोषण के अंतर्गत ही गुणवत्ता मानकों पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ सामुदायिक भागीदारी के साथ वार्षिक स्कूल योजनाओं का विकास हुआ। सामुदायिक आंदोलन गतिविधियों के लिए जिलों का 1% व्यय हुआ। वंचित शहरी बच्चों के लिए सुविधाएं प्रदान करने में गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों की भागीदारी को भी बढ़ावा मिला। निगरानी और पृष्ठपोषण के अंतर्गत ही 2006-07 के लिए संकलन के तहत EMIS 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त वेबसाइट पर स्कूल रिपोर्ट कार्ड 2006-07 में और 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों वेबसाइट पर के लिए 26 MI रिपोर्ट प्राप्त और IPAI रिपोर्ट में 21 राज्यों के लिए प्राप्त हुई। CAG प्रदर्शन लेखा परीक्षा ने 13 फरवरी 2007 को जवाब और साक्ष्य का जवाब दिया। PAC रिपोर्ट भी निगरानी और पृष्ठपोषण के अंतर्गत ही प्राप्त हुई। सर्व शिक्षा अभियान में सामाजिक सहभागिता भी आसानी से हम देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति पर सामुदायिक नियंत्रण हुआ। ब्लॉक आधारित और स्कूल आधारित कैडर का प्रावधान रखा गया। सामुदायिक आंदोलन गतिविधियों के लिए जिलों का व्यय 1% था और इसमें निजी गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को भी बढ़ावा मिला। इस प्रकार हमें ये ज्ञात हुआ कि सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान है जिसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया कि जो बच्चे स्कूल तक अपनी पहुंच नहीं रखते हैं उनको स्कूल तक पहुंचाया जाए और उनको स्कूल तक पहुंचाने के साथ साथ उनका जो ड्रॉप आउट रेट है उसे भी कम किया जाए और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई चीज़ों पर विशेष रूप से जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत बालिका शिक्षा, SC/SC की शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। आशा करते हैं कि आप सभी को यह चर्चा लाभान्वित कराएगी और इसी के साथ में आप सभी को धन्यवाद।